बीपीएससी वाला क्लास स्टार्ट कीजिए बाबू सब स्टार्ट करें आपको क्या लग रहा है हमको हम मतलब ऐसे शौक शौके रुके हुए हैं ऐसे नहीं रुक सकते ना बाबू शौक से नहीं रुके आप ही लोग के लिए रुके हैं समझना है कि नहीं क्या ऐसा नहीं है कि हमारा शौक लगल है यहाँ पे आपको उस तरह, उस तरह की व्यवस्था देना और एक चीज हमेशा बता देते जो बीपीएससी या यूपीएससी के बैच में आएगा उसके लिए एक चीज हमेशा समझ जाइएगा डेढ़ साल तक एक से डेढ़ साल आपको यहीं समर्पित हो जाना पड़ेगा घर में ब्याह शादी त्यौहार घर द्वार सब भूल जाना पड़ेगा घर जाइएगा तो डीएम एस डी एम बन के समझा तो उस सब के लिए व्यवस्था में समय लगता है महल बनाने में समय लगता है झोपड़ी बनाने में तो दो दिन में बन जाता है नहीं बन जाएगा तो आप सबकी हम समस्याओं को समझते हैं और देश में जब हर विद्यार्थी के पास समस्या आती है तो खान सर की ओर एक उम्मीद की नजर से देखता है कि एक गरीब का लड़का दिल्ली में जाके ढाई लाख रुपया कोचिंग नहीं दे सकता है लेकिन जब उसको लगता है कि नहीं उसके अंदर भी क्षमता है ये लड़का जो फीस दिया था ना ढाई सौ रुपया दिया था यूपी बीपीएससी वाला जो बैच में बता रहा था ना कि हम रात दो बजे पढ़ा रहे थे ढाई सौ रुपये में पढ़ाए थे ढाई सौ रुपए में फर्स्ट क्वालिटी का बैच ग्यारह रुपए में थे ये कह रहा था ना ना कि सर तो जिस समय लिया था ना दोनों बैच आगे पीछे था फर्स्ट क्वालिटी का बैच ग्यारह रुपए में इतना ग्यारह रुपए में तो कोई सोचबो नहीं करेगा उस उसमें से सरकार अठारह परसेंट जीएसटी ले गई अरे उसको तो शर्म करना चाहिए कि भाई <laughs> ये आदमी ग्यारह रुपए में अपना स्टाफ मैनेजमेंट सर्वर कॉस्ट सब देने के बाद भी कम से कम ग्यारह रुपया तो छोड़ दो यार उसमें भी अट्ठारह परसेंट क्या ले गई जी और ना तो बैंक वाला दो परसेंट अपना पेमेंट गेटवे का लेके चल गया हम के बाहर अरे भैया वाह ले जाओ और साल जब बैच कंप्लीट हुआ ना तो इनकम टैक्स वाला ले गया सब तीस परसेंट <laughs> कोई बात माइनस में कहा गए अपना ही सब लड़का है सब माइनस में जाएगा सभी सब जिस दिन पूरे भारत में एकदम पढ़े लिखे लोग जाएंगे ना ईमानदारी से उस दिन तब देखिएगा जहां कुछ गड़बड़ हुआ यही घेर लेगा सब ये तो आराम से मशरूम को कहेगा मशरूम <laughs> किसके पास जाएगा तुम शिकायत करने मशरूम वो, वो अधिकारी को कहेगा तू तो वो कहेगा कोई बात नहीं मशरूम ओकरा <laughs> कहेगा कोई बात नहीं मशरूम <laughs> समझ में आएगी नहीं आएगा चलिए देखिए आप आगे आते हैं टॉपिक पर